नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय किशन और स्वागत करता हूं आपका जेके टेक्निकल चैनल में। तो मैं आज आपको बताऊंगा रियलमी वन का जो ओप्पो का स्मार्टफोन अभी मार्केट में आया है, जो ऑनलाइन में हमको मिल रहा है, तो उसकी हम फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके कुछ फीचर बताएंगे। मेरे पास जो वेरियंट है ये 6GB रैम और 128GB मेमोरी वाला है, तो इस फ़ोन की हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके कुछ फीचर भी बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे से ऐसे गैजेट्स रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, करते हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं अंदर में हमको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। खोलते हैं फ़ोन के बॉक्स को तो सामने की तरफ रेड और ब्लैक में एक रियल में लिखा हुआ मिल जाता है, और एक इस कागज़ के कवर को हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक सिम एडिप्टर टूल मिल जाता है, जिसके ज़रिए हम सिम ट्रे को खोलते हैं। इस सिम टूल को एक बार के लिए साइड में रखते हैं और जब खोलते हैं आगे इस कागज़ को, तो आगे की तरफ में हमको एक प्लास्टिक यानी रबड़ का एक कवर मिल जाता है, जिसको फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए दिया जाता है, क्योंकि फ़ोन जो है ग्लास और फाइबर बॉडी का बना हुआ है, तो फ़ोन जो है थोड़ा सा कमज़ोर है आगे से और पीछे से भी। तो फ़ोन की सेफ्टी के लिए कंपनी पहले से ही इस चीज़ को देती है। यह है एक वारंटी कार्ड और मैनुअली गाइडलाइन, तो इनको भी हम साइड में रख देते हैं और फ़ोन को लेते हैं हाथ में। तो ये कवर एक साइड में हो गया। फ़ोन को जब हम हाथ में लेते हैं तो फ़ोन काफ़ी अच्छे लुक में लग रहा है, और फ़ोन की जो थिकनेस है काफ़ी कम है, फ़ोन काफ़ी पतला है, और फ़ोन की जो डिज़ाइन बनाई गई है ग्लास विथ मेटल तो नहीं है, ग्लास विथ फाइबर में बनाई गई है, और फ़ोन की जो बेजल्स है वो MI Note 5 Pro के मुकाबले थोड़ी कम है। पीछे की साइड में एक 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपरेचर का कैमरा हमको देखने को मिल जाता है, और साइड में एक सिंगल टर्न LED फ्लैश मिल जाती है, और ग्लास पीछे से जो है चमकदार है और लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा ये चमकता है। और हम इसमें देखें तो फ़ोन काफ़ी पतला है, प्लस यहाँ पर इसके जो है एक पावर ऑफ का बटन दिया जाता है, और ऊपर की साइड में सिम ट्रे। नीचे की साइड में बात की जाए मोबाइल के, तो यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, जो ये नॉर्मल ईयरफोन को सपोर्ट करता है। आगे की साइड में माइक मिल जाता है, और उसके बाद जो है USB केबल मिल जाती है, जिसके ज़रिए हम चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे की साइड में एक स्पीकर मिल जाता है, उसके बाद पावर अप एंड पावर डाउन के बटन मिल जाते हैं, और आगे की तरफ एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसका एपरेचर है 2.2, और यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है, और फ़ोन जो है आगे की साइड में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। फ़ोन को करते हैं हम पावर ऑन और रखते हैं साइड में, तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आता है Realme 1 पावर बाय एंड्रॉइड। यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी लगाई हुई आती है फ़ोन के ऊपर, ताकि स्क्रैचेस ना आ पाए ऊपर के साइड में, तो ये जो पन्नी है 2 से 3 महीने चल सकती है। आगे की साइड में और हम देखें तो इस बॉक्स में हमको एक चार्जर मिलता है ओप्पो कंपनी का। ये ओप्पो कंपनी का चार्जर, इसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का, तो ये जो है एक नॉर्मल चार्जर है, ना कि फास्ट चार्जर। उसके बाद यहाँ पर एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है, जो डेटा ट्रांसफ़र और फ़ोन को चार्ज करने के लिए काम आती है। इसके अलावा इसमें ईयरफोन नहीं मिलते हैं, सिर्फ चार्जर और एक पिन एडिप्टर, और फ़ोन के अलावा और ये जो कवर है यही इसमें मिलता है। फ़ोन हो चुका है पावर ऑन, और फ़ोन को मैंने एक बार ऑन करके देख लिया था, तो इसमें मैंने पासवर्ड भी लगा दिए हैं और वॉलपेपर भी चेंज कर दिया है। चलते हैं हम फ़ोन के सेटिंग में और देखते हैं अंदर में हमको क्या क्या सिस्टम देखने को मिलते हैं फ़ोन अबाउट में। जैसे ही फ़ोन अबाउट में जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमको
एंड्रॉयड ओरियो मिल जाता है, और यहाँ पर जो सीपीयू यूज़ में लिया गया है वो एकदम लेटेस्ट सीपीयू है, जिसका नाम है हीलियोकॉम P60, जो MI Note 5 Pro से काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा नीचे की साइड में 6GB रैम दी गई है और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, और इसका जो प्रोसेसर है वो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और इस फ़ोन में फेस लॉक भी काफ़ी अच्छा दिया गया है इस प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा जो है इसकी स्क्रीन 6 इंचेस की है, और इसमें जो है ज़्यादा जानकारी देने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ की कमी मुझको लगती है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर की साइड में IR ब्लास्टर सेंसर। सेंसर की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट और IR ब्लास्टर के अलावा इस फ़ोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और जो है फ़ोन कुछ मैं जो भी इसकी फ़ोन की डिटेल होगी आपको अगले वीडियो में सारी बता दूंगा कि इस फ़ोन का जो कैमरा कैसा है और फ़ोन जो है लेग होता है या नहीं गेम खेलते वक्त, और फ़ोन की जो बैटरी बैकअप कैसा है, और फ़ोन जो है चार्ज कितनी देर में होता है, कैसा है फ़ोन कैसा नहीं है, टोटल जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आगे से ऐसे गैजेट से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक बेहतर से वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार एंड वंदे मातरम।